दोस्तों पंजाबी सिनेमा फॉर यू ते मैं इकबाल सिंह चन्ना तुहाडा सारिआं दा स्वागत करदा हाँ। जिवें कि साडे कुछ पाठक कुछ दर्शक उन्होंने कुछ चीज़ां रिवाइज भी करनियां हुंदियां आ, असीं भी करदे सी। जद पत्रकारी विच मैगजीनां दा युग हुंदा सी तां उदों लिखिआ हुंदा सी लड़ी जोड़न लई पिछला अंक वेखो, क्योंकि पिछे जे असीं एक वीडियो पाया सी जिहदा टाइटल सी पंजाबी सिनेमे की गंदी मच्छी, तो वह गंदी मच्छी का चैप्टर टू भी तैयार सी। ते विच विचाले ही पंजाबी सिनेमे विच जिहड़ा माफिया बैठा आ उन्हें साडा चैनल बंद करवा दिता कॉपीराइट का इशू बना के। सानू कोई गिला नहीं, असी तो सच्चियां गल्लां करनियां आ, ते जिन्ना रोकना रोक लैन, पर क्योंकि वह चैनल बंद हो गया सी ते उस चैनल विच गंदी मच्छी का पहला चैप्टर ते हुण ते आखिरी चैप्टर मैं अगले ऐतवार लैके आ रहा हाँ, ते इसलिए इत्थे रिपीट कर रहा हाँ ताकि तुसीं फ्रैश कर लो कि इत्थे इहो जिहियां मच्छियां किहो जिहे कारनामे करदियां हन। उसके कारनामयां दी बड़ी लंबी लिस्ट आ जिहड़ी मैं अगले ऐतवार लैके आ रहा हाँ, ते आखिरी किश्त होएगी, क्योंकि पंजाबी सिनेमे विच इस वेले इन्ना गंद पिया होया आ कि होर इन्ने इशू हन, इन्ने मसले हन, बे उन्हां तों पर्दा उठेगा तो बहुत लोगों नूं मिर्चां लड़नियां आ। ते सच सुणन विच जे किसे नूं तकलीफ हुंदी आ तां हो ही जाए, असीं तां जिहड़ी सानूं सच्ची गल लगदी आ सच्ची करनी आ, जिहड़ी माड़ी लगदी आ उहनूं माड़ी कहिणा, जिहड़ी फिल्म चंगी लगदी आ उहदी तारीफ करनी आ, ते जिहड़ी नहीं चंगी लगदी उहनूं असीं कहिणा वी इह माड़ी फिल्म आ। ते दोस्तो जिवें तुसीं जानदे कि हुणे साडा चैनल पंजाबी सिनेमा फॉर यू हो चुका है, गंदी मच्छी दे पहले चैप्टर दियां गल्लां तुसीं जे दोबारा सुननियां है तां उह सुन तों पहलां आ उंगल जरूर ला दिओ जिहड़ी घंटी लगी आ हेठां, ताकि तुसीं साडे सबसक्राइबर बन जाओ, ते ज्यों ही साडी वीडियो पिया करनी आ ठा करदी तुहाडे मोबाइल च आ जाया करनी आ, इसलिए उंगल जरूर ला दिओ तां कि साडा तुहाडा साथ बनिआ रहे। ते हुण शुरू हो रिहा है वह वीडियो जिहदी तुहानूं उडीक होएगी, क्योंकि तुसीं रीफ्रैश होना आ, तो देखो ये गंदी मच्छी ने की कीता सी। तो अज मैं गल करनी आ एक गंदी मच्छी, कई सालों तो पंजाबी सिनेमे नूं इस मच्छी ने बड़ा प्रदूषित किया है, मतलब है कि इन्हें बड़े लोगों नूं डोबिया, बड़े ये विवादां च रहा, यह हुण एक वड्डी ताक दे चक्कर विच हुण चर्चा विच आ गया है। तो लोग मैनूं कहिंदे जी मच्छी का नाम दसो, मच्छी का नाम मैं दसूंगा अखीर ते, पर मच्छी के कारनामे तुहानू पहलां दसदा। दोस्तों अज तो 30 साल पहला एक फिल्म आई सी जट जीवना मोड़, तो उहदे विच जीवने मोड़ का रोल साढ़े हरमन प्यारे एक्टर गुगू गिल ने अदा किया। यह फिल्म चली भी सी, काफ़ी चली सी, लेकिन उस तो 30 साल बाद हुण फिर जीवने मोड़ की जिंदगी ते फिल्म आ रही है जिहदा टाइटल आ मोड़। और इस फिल्म विच एमी विर्क ने मुख किरदार निभाया आ, उहदे नाल देव खरौड़ भी आ, विक्रमजीत विर्क भी आ, स्टार कास्ट बड़ी वड्डी आ। ते दोस्तों इस मच्छी नूं जां इस बंदे नूं इह वहम पै गया बई जिद्दां जीवना मोड़ उत्ते इहदा ही हक आ, इहने उहनूं बै कराया आ बई मैं ही उत्ते फिल्म बना सकदा आ जे बनाउणी आ। इहने कई रसालियां जिहां च इश्तिहार भी छपाए बई इहदे कानूनी राइट मेरे कोल आ, जीवना मोड़ होर कई जिहड़े पंजाब दे उस वेले दे योधे रहे आ, रॉबिनहुड टाइप हीरो रहे आ, उन्हां ते जे कोई आखे भी इन्हां ते तां हुण फिल्म मैं ही बना सकदा जे किसी ने बनाउणी होवे। इस बंदे ने जब देखिया भी ये फिल्म तां मोड़ बड़ी लौ लश्कर नाल रिलीज होण जा रही आ, तां इहने जट जीवना मोड़ दे जो असली प्रोड्यूसर आ, इह तां नकली जिहा ही प्रोड्यूसर हुंदा, ये 25 फिल्मां दी लिस्ट गिनाई जांदा आ, ठीक आ नाम वी छपा लैंदा सी, उह वी कदे तुहाडे इहदा एक कच्चा चिट्ठा खोलांगे भी किद्दां ये ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭਰਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੋ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕਣੇ, ਟਰੰਕ ਚੱਕਣੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਵਣਾ ਮੋੜ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ना खेडन देना खुदी चमूतना। दोस्तों मैं कुछ अपशब्द भी बोल जावा तो माफ़ी चाहांगा, क्योंकि जब यहोजे बंदियां दा किरदार सामने आता है ना तो कुछ ना कुछ शब्द निकल ही जाते हैं। मेरे कहने का भाव है
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਚੱਕੀ ਰਾਹਾ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੱਟ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ DI ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਨੇਮਾਸਕੋਪ ਕਰਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਖੈਰ ਆਉਣ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਐਕਟਰ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਇਮੇਜ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬਣਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਛੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਲਾ ਲੈਣ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਜੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਇਕ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਲਟੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੱਬੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਚੱਲੂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੇਟਾਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਰਗਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਵੀ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਦੋਸਤੋ, 1995 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਬਗਾਵਤ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਉਹਦਾ ਹੀਰੋ ਸੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੁਲਾਰ ਹੀਰੋਇਨ, ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਵੀ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੰਗਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਜੱਗ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਣੀ ਅਖਵਾਇਆ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਧੀ ਰੱਖ ਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟ ਲੈਣੀ, ਅਤੇ ਖੱਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸੀ, ਧਰਮਪਾਲ ਅਰੋੜਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹਰ ਸਿਨਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬੂ ਧਰਮਪਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨ ਕਟਵਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਮਜਿਆਨਾ ਬਾਬੂ ਧਰਮਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਲੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਲੱਥੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਹਰ ਫਿਲਮ ਬਾਬੂ ਧਰਮਪਾਲ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੰਦੀ ਮੱਛੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਸ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਵੜਿਆ, ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੀਰੋਇਨ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ
इन्हें उन्होंने एक नवा वहम पाता कि मनजीत जी भी हीरोइन बनने चाहिए आ। इस उत्ते जब मीडिया ने किंतु परंतु किया, मैं भी उदों पत्रकारी विच सरगर्म सी, तो बस दफ्तरां विच शिकायतां लगनियां शुरू हो गई भी ये साड़ी जी इमेज खराब करते आ। मनजीत मान, गुरदास मान तक पंजाब केसरी दे दफ्तर च गए, कुलदीप बेदी दीयां शिकायतां लगियां, अजीत दे दफ्तर च गए, मेरियां शिकायतां लगियां, तो बहुत कुछ होया। और दो तीन साल असी गुरदास मान होरां तो थोड़ा ये अलग भी रहे, मतलब साडा जिहड़ा मिलना गिलना सी रेगूलर वो भी इस बंदे दीयां करामातां कारण बंद हो गया। तो दोस्तों की बनूँ दुनिया का प्रीमियर से 1987 की गल आ, जलंधर से उदों स्काई लार्क होटल ही हुंदा सी, गुरदास मान उत्थे ठहरे आया सी। प्रीमियर तो बाद फिल्म का प्रोड्यूसर अनिल दीपक कहन लगा बई पत्रकार स्काई लार्क आ जाण। उस वेले मैं हुंदा सी फिल्मी पत्रकार, कुलदीप बेदी हुंदा सी, शमशेर संधू भी आया सी, ते असीं स्काई लार्क होटल चले गए। रूम च बैठे मान साहब साढ़े सामने आके बह गए, तो हुण चुप भी सी थोड़ी, तो मैं गल अगे तोर ली। मैं क्या देखो मान साहब, साड़ी ते तुहाड़ी दो ढाई साल बोलचाल बंद रही, तुसीं साड़ियां शिकायतां भी लाइयां, कोई गल नहीं, तुसीं पंजाब केसरी दे दफ्तर गए, तुसीं अजीत दे दफ्तर गए, तो पर इन्नी गल तां जरूर आ भी असीं आ जिहड़ियां मक्खियां तुहाड़े आले दुआले मंडराउंदियां सी ते ये सारियां हटाती। ते अगों गुरदास मान हस के कहन लगा, हाँ हाँ हाँ, कहिंदा सब तों वड्डी मक्खी तां डैश डैश डैश, उन्हें इस गंदी मच्छी का ही नाम लिया सी, इहदा मैं अखीर ते जिक्र करांगा। एक हो गया, सारी गल हो गई। कहिंदा पावे भी इस बंदे नूं ये लगदा सी भी मैं जिन्ना ही मीडिया के खिलाफ बोलूँगा, गुरदास मान नूं ढाल बना के शायद पता नहीं ए मेरी उन्नी इज्जत वधनी आ, तो ये मेरे कंट्रोल च ही रहेंगे। पर आ उदों दी गल आ जद उस घर विच इहदा आउणा जाणा उन्होंने बहुत घटा दिता सी। ते दोस्तों वो जिहनूं असीं पंजाबी सिनेमे दा माड़ा दौर कहने आ, ते उहनां विच ते उस दौर दा जिहड़ा सब तो वध जिम्मेदार वह भी यही महापुरख सीगा। इस सरहदों पार पाकिस्तान दियां जिहड़ियां ट्यूनां सी उहनां नूं चोरी कर लैंदे सी, ते सजिंदे जै बुला के उहनां नूं रिकॉर्ड करवा लैंदे सी, ते गवा लैंदे सी और अपना नाँ दे दिंदे सीगे। मतलब ना तां म्यूजिक डायरैक्टर नूं पैसा देना पिया, ते ना ही कोई बहुता स्टूडियो दा खर्चा होया, ते मुफ्तों मुफ्ती आप भी म्यूजिक डायरैक्टर बन गए। ये सच आ दोस्तों, तुसीं देखो अज भी वीरा फिल्म दे क्रैडिट विच देखो ये बंदा म्यूजिक डायरैक्टर भी बनया आ, उत्थे इहदा नाम आ। फिल्म दा डायरैक्टर बूटा सिंह छात सी। मैं छात साहब नूं पुछया, मैं कहा जी ये हुण म्यूजिक डायरैक्टर भी बन गए आ। वो कहिंदे इकबाल हुण आ म्यूजिक दे पैसे तां कंपनियां दिंदियां ने, तो इसलिए सारा म्यूजिक तो पाकिस्तानी गाने तो चोरी चारी कर लेंगे, या प्रोड्यूसर भी डायरैक्टर भी, तो ये बंदा उतों चोरी मारन च बड़ा एक्सपर्ट आ। तो असी सोचा भी ना कि देिए, तो कहिंदा आपां ना ही इन्हां दा देता। अज भी गूगल ते जाके फिल्म दे क्रैडिट देख लो तो ये जिहड़े आ ये नकली उत्थे म्यूजिक डायरैक्टर बने। आप तो ये चोरियां कर कर इन्होंने बड़ा म्यूजिक बनाया, पर दूजे पासे देखो बंदा इन्ना चतरिया। एक फिल्म आई सी डबल द ट्रबल, उन्होंने फिल्म दे एक गाने विच पुत जट्टां दे फिल्म दी ट्यून वरत ली, और उहदे विच एक सरंगी वजाई सी, वह भी उन्होंने कॉपी कर ली। बस फिर की सी, इन्हें तो वकील कर लिया जी, इन्हें तो उन्होंने नोटिस देते, और ये भी धमकियां मिलियां बई ये जी माणीखेड़ा परिवार जिहड़ा है गुगू गिल दा, इन्हां दी तां सुखबीर बादल तक सीधी पहुँचिया, तुहानूं तां ठीक कर देंगे। तो उन्हां बंदियां ने दोस्तों 11 लाख रुपया दे के इन्हां दी ओह ट्यून वरतन दा खमजियाना भुगतिया। आप इन्हां ने पाकिस्तान दा कोई गाना छड्डिया नहीं, पर जे कोई इन्हां दा इधरला अड़िके आ गया त
इन्होंने उन्हों भी पूरी तरह छिलते वो खंभ रख के बंदे दे ये तो इन्हों का किरदार पंजाबी सिनेमे के किडे क मदई है तुम अंदाजा लाई चलो बड़ा लंबिया कहानियां आ लंबिया कहानियां तो आप करा ये तो असं अखी डिठा आ दोस्तों एक होर प्रोड्यूसर आ इतने हूँ ही निशाना फिल्म सुनी वेखी होनी आ निशाना का प्रोड्यूसर सी डी पी अर्शी तो उन्हें भी नब्बे के दहाके एक फिल्म बनाई सी तबाही फिल्म बहुत चली सी डी पी अर्शी इतों कनेडा चले गया तो दोस्तों लुधियाने एक मुन्ना नाँ का डिस्ट्रीब्यूटर आ जिहड़ा ना सोशल मीडिया ले यूट्यूब ले सैटेलाइट ले पुरानियां फिल्मां फुल्मां लैंदा सी ते अर्शी किते इत्थे आया ते ओ उस डिस्ट्रीब्यूटर कोल गया तां डिस्ट्रीब्यूटर कहन लगा फिल्म तो कई साल पहलां ही तुहाडे इस बंदे ने मैनूं वेची आ। अर्शी कहिंदा यार ये किद्दां हो सकदा देख फिल्म का प्रोड्यूसर मेरा नाँ लिखिआ आ। कहिंदा जी वो मेरे कोल आके कहन लगा सी वी वो तां मर गिआ आ। तो दोस्तों ये सच्ची गल आ अज भी डी पी अर्शी बहुत सारे लोग जड़े आ ना वो जिंदा शहीद कहिंदे जींदिया भी इन्हें शहीद करता सी इहो जिही है मच्छी आ मच्छी देखो करदी की है। इदां ही एक फिल्म जोरावर आई सी वो शरणदीप बड़ा बीबा मुंडा आ उत्थे कनेडा च वो इहदा प्रोड्यूसर सीगा ते कुछ साल पहला बॉम्बे फिल्म लबोरटरी का नोटिस चले गया प्रोड्यूसरां नूं तुसीं अपनी फिल्म दे जिहड़े नैगेटिव आ वो इत्थों चक लो क्योंकि असी लैब बंद करन जा रहे हैं तुहाडा नुकसान ना होवे इसलिए असी नोटिस दे रहे हैं। शरणदीप ने इहदे नाल गल कीती ये कहिंदा जी मैनू एग्रीमेंट दे दिओ प्रोड्यूसर क्योंकि शरणदीप दे भरा दा नाम सीगा वो कहिंदा जी मेरा भरा आ जांदा आ उहदे कोलों एग्रीमेंट बनवा लो लिखा लो। वो बंदा आया उहदे कोलों पता नहीं एग्रीमेंट च की लिखा लिया वो नैगेटिव तो वह लै गया तो फिल्म इधर सोशल मीडिया से कदे कित कदे कित कदे कित ठा 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 होनी शुरू हो गई। वो बड़ा हैरान भी ये की होया फिल्म का नैगेटिव साढ़े को फिल्म साड़ी कौन ये रिलीज करी जाता है वो बाद पता चलिया भी ये भद्दर पुरश सी अपनी फिल्म का नैगेटिव उतों लैब चो कढ़वाने लई इहदे भरा ने एग्रीमेंट किया तो इस शख्स ने नाल ही उहदा बीटा रिकॉर्ड कर लिया तो नैगेटिव उहनूं देता। शरणदीप ने जदे नूं पुछया भी भाई तू आ की कीता वो कहिंदा कोई गल नहीं जी तुसीं आ जाओ हिसाब कर लिओ पैसे लै लिओ। मतलब आ कुछ हुंदा आ प्रोड्यूसरां नाल की हुंदा आ जां की हुंदा रिहा आ ये तुसीं देखी जाओ। तो दोस्तों मॉड रिलीज होण जा रही आ तो जीवना मॉड उहदे नाल लै आया ये बंदा तो इन्होंने ना दो दिन पहला अनाउंस किया भी जीवना मॉड का ट्रेलर आ रहा है तो ट्रेलर का हले अता पता नहीं हुण इहदे पिछे भी तुसीं राज समझ लो। मैनू यह पता लगा है कि 1 करोड़ तो बोली शुरू हो रही है कित्थे आके टिकदी आ वो देखो कहिंदे वकील भी कर लिया आ भी मॉड के प्रोड्यूसरां नूं 4-5 दिन पहला नोटिस दे देना आ भी तुसीं फिल्म नहीं रिलीज कर सकते ये तो इस बंदे ने जद्दी पुरशी अधिकार लै लिया हुण पंजाब दे जिन्ने नायक सी उहनां ते फिल्म बनाउण दे खैर लई जाण लड़ी भरी जाण। मैं तो ये कहांगा भी ये भी हो सकता भी बाद च बयान आ जाण हो सकता गुगू गिल भी कह दे देखो जी असी तो पंजाबी सिनेमे दे मदई हाँ असी तो इस लई नहीं भिड़ना असी ये भेड़ तो पंजाबी सिनेमे नूं बचाउणा सी ते असी फिल्म नहीं रिलीज़ कर जे रिलीज करते आ खबर फिर अफवाह भी हो सकती है जी मैनू मिली आ लोग गल्लां करते पर मैनू तो इन्नी क खबर मिली आ फिर ये माल मूल लैके तो चुप्पी कर जाएंगे की फर्क पैंदा आ नहीं लगी जी नहीं लगी क्योंकि ट्रेलर हाले तक रोकया आ ये हुण जां तां मॉड दे प्रोड्यूसर जानते मैं कारज गिल नाल गल कीती सी वो कहिंदा जी इहो जी कोई गल लेकिन गल तो किते भी कोई बन जाती है इनू आप की कह सकते हैं। तो दोस्तों अंत में तुम हम कहोगे भी यदा नाँ की आ मैं यदा असली नाँ नहीं लैना लेकिन यह कह दिना भी इस बंदे नू धनिया कहिंदे सी हुण तुसीं किसे भी पुराने बंदे तो पुछ लो भी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री च धनिया किहड़ा सी क्योंकि यदा नाँ पता नहीं इन्हें आप रखिया सी जां लोगों ने रखता सी जां तां किस्मत दा धनी होगा तो जां ये
ਆ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਧਨੀਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਧਨੀਆ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਗਮਨ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆ ਘੰਟੀ ਜਿਹੀ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਂਗਲੀ ਤਾਂ ਪੋਲੇ ਜਿਹੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ।